हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है आपका बगीचा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही काम की वीडियो लाया हूँ। आपको वीडियो को अंत तक देखना, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप जानते हैं आज की वीडियो का विषय है सनफ्लावर के सीड्स यानी सूरजमुखी के सीड्स किस तरह लगाए जाएं। तो लगाने से पहले सूरजमुखी के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको मालूम है सूरजमुखी की पूरी दुनिया में पूरी 70 वैरायटी पाई जाती है और ये अलग अलग कलर उसमें मिलते हैं और ये समर में बहुत बड़े स्तर पे लगाए जाते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसको कैसे लगाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं सनफ्लावर सीड्स की। तो ये हमने पैकेट ले लिया है इंडिका कंपनी का। अब बात कर लेते हैं इसकी डेट के बारे में। तो ये वैलिड है 1/11/2023 तक, यानी कि फ्रेश सीड्स है। तो अब हम इन्हें बात करेंगे कैसे लगाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी पोटिंग मिक्स की। आप देख सकते हैं ये हमारा पोटिंग मिक्स है। इसमें हमने लिया है परलाइट, उसके बाद गार्डन सोइल, तीसरे नंबर पर आता है हमारा कोकोपीट, चौथे नंबर पे हमारा आता है वर्मिक्यूलाइट और पांचवे नंबर पे आता है हमारा खाद, जो कि हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप कोई सा भी खाद ले सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इन सभी को हमने एक एक भाग में ले लिया है, यानी कि ये सब बराबर मात्रा में है। तो इन सभी के बारे में एक एक करके अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परलाइट के बारे में। तो ये हमें मार्केट में आराम से 100 से 120 रुपए केजी मिल जाती है। इसका इस्तेमाल ये होता है कि ये वेट में बहुत हल्की होती है, जिससे आपके प्लांट की जड़ जो है अच्छे से ग्रोथ करती है। ये पानी और न्यूट्रिशन को होल्ड करके रखता है। दूसरे नंबर पर आता है गार्डन सोइल। गार्डन सोइल आपको बहुत ही बारीक लेना है, इसमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं होना चाहिए। तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कोकोपीट की। ये मार्केट से आराम से 50 से 70 रुपए केजी के बीच में मिल जाता है। जब भी आप मार्केट से कोकोपीट खरीद के लाए तो इसको 2-3 बार पानी में धो लें, ताकि इसके अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल जाए। चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं हम वर्मिक्यूलाइट की। ये भी परलाइट की तरह 100 रुपए से 120 रुपए केजी के अंदर आ जाता है। इसका भी वही काम है जो परलाइट का होता है। आप परलाइट या वर्मिक्यूलाइट दोनों में से एक को स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने इसलिए दिखाया ताकि आपको ये अवेलेबल हो जाए तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे आता है हमारा कंपोस्ट। कंपोस्ट में आप वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं या जो भी आपके पास अच्छा कंपोस्ट हो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक शर्त है, आप कोई भी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं वो अच्छे से बारीक होना चाहिए। अगर वो बारीक नहीं है तो आप उसको मिक्सी में बारीक कर लीजिए या आप उसको कूटकर बारीक कर सकते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा है, जो भी आप सीड्स लगा रहे हैं वो अच्छे से जर्मिनेट हो पाएगा। आप देख सकते हैं हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब अपने हाथों की मदद से सभी चीज़ों को नीचे दबा देंगे। इसको जो हमने मिक्सचर बनाया है इसको बराबर कर लेंगे, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। अब हम अपनी उंगली की मदद से 1 से 1.5 इंच गहरी होल बना लेंगे इसमें, 1-1-2-2 इंच की दूरी पर। इस तरह आप देख सकते हैं जैसे मैं बना रहा हूँ, आपको भी ऐसे ही करना है। तो ये हम कर लेते हैं सारे में। देखिए, मैं सीड्स को ग्रो करने के लिए ट्रे का यूज़ कर रहा हूँ। ट्रे का ये फ़ायदा होता है, इसमें सीड्स आराम से ग्रो होते हैं और जब हम इनको रिपोर्ट करते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हमने ले लिया अपना सनफ्लावर्स के सीड्स। तो चलिए इसको कट करके देखते हैं इसके सीड्स किस तरह के होते हैं। तो ये कट कर लिया हमने पैकेट। अब इनको निकालते हैं, इनके अंदर सीड्स किस तरह के होते हैं। तो देखिए ये रहे सीड्स, आप अच्छे से देख लीजिए। आप कभी कभी ऑनलाइन मंगाते हैं तो मैंने बहुत बार सुना है कि पता नहीं उन्होंने कौन से सीड्स भेज दिए, क्या भेज दिया। तो आप धोखे से बचें और ये सीड्स देख सकते हैं। तो ये रहे हमारे सीड्स, अब इनको लगाते हैं। अरे रुकिए रुकिए, अभी नहीं लगाना है,
सबसे पहले आप एक काम कर लीजिए, इनको एक कटोरी या एक प्लेट में कर लीजिए और इसके अंदर किसी भी कंपनी का फंजीसाइड आपको यूज़ करना है। मेरे पास साफ कंपनी का फंजीसाइड है तो मैं वही यूज़ करने जा रहा हूँ। आपके पास कोई भी कंपनी का अच्छा फंजीसाइड हो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आधा चम्मच फंजीसाइड इसके अंदर मिला लेना है। ये देखिए, थोड़े से में आपका काम हो जाएगा। मिलाकर इन सीड्स में अच्छे से इसको कोट कर देना है, इस तरह। ये हम कोट कर रहे हैं। अब कोट हो जाने के बाद अब हम इन सीड्स को लगाना शुरू करेंगे। देखिए, एक एक करके एक एक सीड आपको इसके अंदर डाल देना है, इसी तरह जिस तरह मैं कर रहा हूँ। आपको सारे होल्स को सीड से भर देना है, आपके जितने भी सीड्स हैं। अगर ज़्यादा सीड्स हैं तो आप किसी पॉट्स वगैरह में भी इसी तरह लगा सकते हैं। मैंने सारे सीड्स इसके अंदर लगा लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको होल्स को भर देंगे, अच्छे से भर देना है मिट्टी से। और भरने के बाद इसको फिर सेम प्रोसेस आपको हाथों से दबा देना है। जैसे आप पानी दे तो उस समय सीड्स ऊपर ना आए, अच्छे से दबा देना है। अब बारी आती है पानी डालने की। पानी आपको आधा लीटर लेना है। आधे लीटर पानी में आधा चम्मच आपको फंजीसाइड मिला लेना है। इससे क्या फ़ायदा होगा, आपके सीड्स को कीड़े नहीं खाएंगे। और पानी आपको इसके बाद दूसरे दिन ही देना है, पर इस बार आपको लिमिटेड पानी देना है। इसी प्रोसेस को आप हर दूसरे दिन आगे करेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी जर्मिनेशन 100% आएगी। इसको आप 30 दिन बाद रिपोर्ट कर सकते हैं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।